अजान रात को ही बता देते, इतनी दर्द हो रही तुम्हें पाँव में। नहीं थी मामा, रात को इतनी अभी हुई है, ये अभी नहीं इसको रखने में, प्लीज। क्यों भाई? अच्छा नाश्ता करोगे तो फिर मैं डॉक्टर के लेके जाऊंगी तुम्हें। माँ हेलो, क्या बात है? खैरियत? कौन डॉक्टर के पास जा रहा है? ये देखें जी, रात को फुटबॉल में ये हाल किया इसने अपने पाँव का। अरे जवान लड़का है, सही हो जाएगा। थैंक यू, मैं भी यही कह रहा हूँ। तुम लोग का कल का मैच तो बहुत अच्छा रहा है ना? बताया था ना मैंने कल के मैच का, बहुत अच्छा। है ही मेरा विनर बच्चा। दूसरे भी कोई लूजर्स नहीं है। पता है अबान को बेसमेंट वालों ने बुलाया है। नहीं ये कब हुआ है? क्या बेसमेंट? क्या टीचर? तुम भी ना। बेसमेंट एक म्यूजिकल प्लेटफॉर्म है यंग टैलेंट के लिए। दुआ और अबान ने अपना एक सॉन्ग अपलोड किया था, उनको अबान की आवाज बहुत अच्छी लगी। वो चाहते हैं कि अबान उनके इस सीजन में परफॉर्म करे। दुआ के पास ईमेल आई है। ये बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़ है, और अबान के लिए अपॉर्चुनिटी कमाल है। और वो जब वो जाएगा उसमें तो फिर जो थोड़ी सी तवज्जो उसकी एजुकेशन की है वो भी खत्म हो जाएगी। लेट्स नॉट गो देयर प्लीज। जावेद भाई अबान बहुत टैलेंटेड है, आई थिंक उसको एक चांस तो मिलना चाहिए। विजया जी देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अपने बच्चों को तवज्जो देनी चाहिए। दे नीड योर अटेंशन। जा रही बात मेरे बच्चों की, वी नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम एंड दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चलती हूँ। प्लीज बैठो। और वो जो अकाउंट है आप जो कहती थी दुआ ने और अबान ने इकट्ठे बनाए, उसमें से अबान को निकाल दे, खुद उसने जो करना है प्लीज करें। ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई नो, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी यार, किसी को तो कहना था ना। ये देखो किस तरह परवरिश हो रही उनके बच्चों की, तो घर नहीं होती, दिस नो अटेंशन, उसके बच्चों को चाहिए उसकी तवज्जो। अब वो ऑनलाइन क्या क्या कर रहे हैं हमें क्या पता। तुम्हारी दोस्ती की हद तक बिल्कुल ठीक है, इट्स गुड। मैं अपना फोन भूल गई थी। तुम अबान के लिए परेशान मत हो, उसका यह टैलेंट अपनी माँ की तरफ से ही आया है। लेकिन अगर माँ ही अपने टैलेंट को नहीं समझ सकी तो अबान के लिए क्या समझेगी? Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gil here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.